तो भाइयों आज हम एक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें 1 किलो CNG डलवाएंगे और फिर किलोमीटर देखेंगे कितने चलेंगे, क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे कि 1 KG में कितनी चलेगी। तो हम अपनी 1 किलो डलवाएंगे और फिर उसके हिसाब से देखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो पेट्रोल में चल रही है, इसको कन्वर्ट करूँगा ये, मतलब थोड़ी देर में अपना आप ही स्विच हो जाएगी। और बाकी मैं आगे गेज दिखा देता हूँ उसमें कितनी मतलब गैस है या नहीं है। अब देखते हैं कि कितनी, इसको एक बार गेज में दिखा देते हैं आपको। गेज है ना एकदम, मेरे हिसाब से तो सुई एकदम नीचे तक टिक रही है मेरे हिसाब से। अगर नीचे सपोर्ट नहीं होता ये उल्टी घूम के चली जाए। तो आप डलवाते हैं 1 किलो CNG। ये रहा अपना CNG पंप, देखते हैं कितनी चलेगी आज। आ जाओ दोस्तों, हमने डला लिया इसमें 1 किलो CNG और ये यहाँ पे आ गई है। इसको जीरो करते हैं फिर। अच्छा, हम ट्रिप कर देते हैं जीरो और मैं आपको गेज में भी दिखाता हूँ कि कितनी आई है। जैसे पहले जीरो आई है, रिकी दी 1.1 आई है। ये जैसे आप देख पा रहे हो तो ये कुछ आती है, इतनी सी CNG आई है। ये 1 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है, 1 से थोड़ी 1.06 की है। तो आप देखते हैं कितनी चलेगी। और ट्रिप कर दी है जीरो, अगर दिख पा रही हो तो। ये मैं दिखा देता हूँ, इसमें क्या है कि ट्रिप ए है। ये चीज़ें आप देख लेना, काफ ट्रिप ए जीरो। तो लमसम वही है, 60-70 चला रहे हैं और नॉर्मल ट्रैफिक रहेगा अभी तो। जैसे खाली है, मतलब ऑन हाईवे भी नहीं है ना लोकल है, मतलब मीडियम सा बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से 60-70 50-60-70 ऐसी चलेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि 26-27 तो आराम से चल जाएगी और बाकी ख़त्म होने पर ही पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कितनी चलेगी, ज़रा 2 मिनट वीडियो पॉज करके यहीं पर बताओ कितनी चलेगी। रोड पर उतर चुकी है टाटा टिगोर CNG, जो बहुत ही लकी कस्टमर है उन्हीं को मिल पा रही है क्योंकि वेटिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर। उसको बहुत मोटा लग रही है कि सोलह किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं आगे गेज में कितनी जगह। और ये गेज में कुछ इतनी दिखा रहा है, तो गेज तो जीरो दिखा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कितनी और चलेगी। तो 18.2 चल चुकी है और देख सकते हो अभी भी लाल है। और जैसे इंडिकेशन आता है CNG खत्म होने का, मेरे हिसाब से 23 तो चलनी चाहिए। बाकी अभी देख लेते हैं और फिर से रेड लाइट। अच्छा, रेड लाइट हो गई। अरे इसका घर है ना गोल्फ कोर्स के वहाँ पे, तो वहाँ पे तो ये देखो दोस्तों, ऐसा कभी देखा है क्या आपने? देखा हो तो जरूर बताएं। और वो भी CNG वाले लगा सकते हैं। तो 22.6 चल चुकी है और CNG है अभी भी बरकरार। तो मेरे हिसाब से देखते हैं 25 तो मिनिमम मांगता है और बाकी देखो कितनी और चलती है। और ट्रैफिक यही रहेगा मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन। 24.2 चल चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि CNG ख़त्म होने वाली है और लमसम 24 से 25 का राउंड होगा मेरे हिसाब से। बाकी ये बट जैसे ही ख़त्म होती है और अपडेट करते हैं। 24.5 हो गई है, CNG बरकरार है, पर मुझे ऐसा लगता है जाने वाली है क्योंकि 1 किलो गैस के अंदर 1500 CC इंजन है इसका और नॉन AC चल रही है पूरी। और पर वही है, थोड़ा सा ट्रैफिक है नहीं भी है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 25 के अराउंड होनी चाहिए। बाकी अभी बस देख लेते हैं, मेरे हिसाब से दम तोड़ने वाली है गाड़ी CNG में। 25.6 हो चुकी है और ऐसा लग रहा है किसी भी मोमेंट के ऊपर ये CNG कन्वर्ट हो जाएगी पेट्रोल पे। देखते हैं 26 देगी, 27 देगी, 28।
एक किलो में इतनी, एक किलो पॉइंट वन पॉइंट समथिंग था ना, हाँ तो उस हिसाब से देखते हैं तो वही है 25-26 ग्राम। तो ये अभी चलिए 26.7 और सीएनजी उसमें हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे ना ये पेट्रोल वाली लाइट पे वो हो रखा है ऐसे दिखेगा, तो ये हो गई सीएनजी ख़त्म अपनी 26.7 पे। तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेटर से एवरेज कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। तो फिर से पहुंच गए हैं उसी सीएनजी पंप पे, अब फिर से भरवाते हैं सीएनजी। और ये था एक छोटा सा टेस्ट जिसमें कि एक किलो सीएनजी में कितनी चली वो आपको पता चल गया होगा। तो ये चलिए 26.7। तो अब देखते हैं कि कितनी एक्यूरेट माइलेज दी है इसने एक किलो सीएनजी, एक किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो अभी देख लेते हैं 26.7 ये टोटल चली है उसको। अब हमने डिवाइड कर दिया है, टोटल जो आई थी इसमें 1.09, तो ये इक्वल और ये आ चुकी है कुछ 24.49, तो 24.5 की एग्जैक्ट इसने माइलेज दी है, तो जो कि काफ़ी सही है, सही है। और लोकल भी है इसमें और नॉन एसी है दोस्तों, ये चीज याद रखना। ओके, तो हाँ जब एसी होगा तो फिर ये और गिरेगी, तो उस चीज़ का भी जरा ध्यान रखिए।